सवाल किया कि जब घर बनता है तो लोग जा घर में जाते हैं पहली बार, तो वहाँ जो उस वक्त जो है जानवर को ज़बह करते, ज़्यादातर बकरी या बकरे को उसकी कुर्बानी दी जाती है, इसका क्या मामला है? तो देखिए, सबसे पहली चीज़, ये अकीदा बहुत सारे मुसलमानों में होता है, इसको गौर से सुनिए। बहुत से लोग जब घर बनाते हैं, नया चीज़ लेती हैं, लेते हैं तो तब कुर्बानी देना चाहते हैं। ये कुर्बानी अल्लाह के लिए और शुक्राने में नहीं होती है, बल्कि वो कहता है कि जब नए घर में जाते हैं तो खून पिला देना पहले। ये बात की आप सब गवाही देंगे, या अरे तुम नए घर में का कुर्बानी नहीं दिए, घर खून लेंगे आप, इससे पहले तुम कुर्बानी दे दो। ये 100% मुशरिकाना अकीदा है, 100% काफिरों और मुशरिकों का तरीक़ा है। अगर किसी ने इस बुनियाद पे कुर्बानी करी तो वो कुर्बानी नहीं है उस इलाके के जिनके लिए बलि है, कुर्बानी नहीं उस इलाके के जिनके लिए बलि। हाँ, अल्लाह ने किसी को घर दिया, वो शुक्राने में कुर्बानियाँ करें, जायज़ है। लेकिन अभी आप शुक्राने में नहीं करते, घर खून मांगता है। नए घर में जाने से पहले ज़मीन पे खून टपक गया तो अपना खून नहीं लेती। देखो, तुम घर में आए, कुर्बानी नहीं किए ना, अम्मी चले गए तुम्हारे, ये तो होने वाला था, तुमने नहीं की। ये 100% मुशरिकाना अकीदा है कि नई ज़मीन पर जाओ तो उस इलाके के जिन को खुश कर। अब भी ये करते थे आप के ज़माने में, उससे पहले भी, कि नए इलाके में जाते तो एक जानवर ज़ुबह करते अल्लाह के लिए नहीं, उस इलाके के जिन को खुश करने के लिए, क्योंकि वो शिरक है। और जिन शयातीन, बिलखसूस जिन नहीं बल्कि शयातीन खुश होते हैं ऐसे अमल से, शिरक से, तो आप वो कर रहे हैं। तो अगर कोई इस नीयत से कर रहा है तो शिरक कर रहा है। याद रखें, बहुत से लोग गाड़ी लेते हैं तो अंडा रखते हैं सामने, चारों टायर में रखते हैं, तीन टायर में रखते हैं, एक टायर में रखते हैं, टू व्हीलर में रखते हैं, फोर व्हीलर में रखते हैं, या मुर्गी उसके सामने घुमा के फेंकते हैं, ठीक। वो कहते हैं इस वजह से एक्सीडेंट कम होंगे, वो खून नहीं लेंगे, चूँकि पहले आप खून बहा दे रहे। ये सब मुशरिकाना अकायद है, इस्लाम में इनकी कोई गुंजाइश नहीं है। आपको जब मौत आनी है आप मर जाएंगे तब, और अल्लाह ने आपको ज़िंदा रखना है तो आप कितना भी लोग मानना चाहेंगे आप नहीं मरेंगे। अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह उनसे पूछा गया कि आप खलीफतुल मुस्लिमीन, जो मुसलमानों के खलीफा अमीरुल मोमिनीन हैं, आप क्यों नहीं तो वो करते हैं कि अपनी हिफाजत के लिए कुछ लोग रखते हैं? तो उन्होंने कहा, मेरी हिफाजत के लिए तो फरिश्ते हैं, जब तक अल्लाह ने ज़िंदगी दी वो मेरे साथ रहेंगे, जब अल्लाह ने मौत दी वो फरिश्ते हट जाते हैं। याद रखिए, रकीब और अतीत दो फरिश्ते होते हैं जो आपकी हिफाजत करते हैं। ऐसा आप बोलते हैं ना, बहुत से यार बच्चा, अरे यार एक इंच से बच्चा बच गया, बच्चे बचते कैसा? होता है ना कभी, मतलब ऐसी जगहों से निकल जाता है जहाँ आप उम्मीद नहीं करते ये लोग बच जाएंगे। तो फरिश्ते होते हैं अपॉइंटेड अल्लाह के, जिनका काम होता है इंसानों की हिफाजत, रकीब और अतीद उनका नाम होता है, वो ज़िंदगी भर करते हैं। और जब अल्लाह को मौत देनी होती है उनको अल्लाह हटा लेता है। हज़रत अली ने कहा, जब तक मेरी ज़िंदगी है तो फरिश्ते मेरी हिफाजत करते रहेंगे, और जब मेरी मौत होंगी, समझ रहे आप, तो वो हट जाएंगे, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। 100,000,00,000 लोग भी खड़े कर दो तो मैं बच नहीं सकता हूँ, तो लिहाजा क्या फ़ायदा? तो वो कोई सिक्योरिटी या उनको कोई हिफाजती रास्ता उनके साथ नहीं हुआ करता था, ठीक है, आप बात समझ रहे हैं। तो लिहाजा अगर इस अकीदे से कोई करता है तो बहुत संगीन जुर्म है, वो गैरुल्लाह को कुर्बानी करता है कि जिनों को खुश करने, वो घर में ज़मीन में प्यास होती है खून की और फलां है, तो ये सब मुशरिकान। हाँ, अल्लाह के शुक्र में करता है, घर बनाए भाई कुर्बानी करो लोगों को खिलाओ, वो तो एक अलग बात है, वो जायज़ है। याद रखिए, दूसरा उन्होंने